फ्रेंड, मैं विजय आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विद विजय में। दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है जिसके साथ मैं जो है आप सभी के साथ आई हूँ, गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। हमारे सभी गार्डन में एक कॉमन पौधा जिसे कि हम गुड़हल कहते हैं, देसी गुड़हल और जो है इसके साथ साथ हाइब्रिड गुड़हल हमारे गार्डन में ज़रूर होते हैं। गुड़हल एक ऐसा पौधा है कि वो हर किसी के गार्डन में, जिसे थोड़ा भी बहुत गार्डनिंग का शौक़ है, वो अपने जो है गार्डन में ज़रूर रखता है। तो दोस्तों, जो मेरे वीडियो का टॉपिक है गुड़हल के पौधे पर ही है, लेकिन आज जो मेरे वीडियो का टॉपिक है ये है हमारे हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल। दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। दिसंबर के मंथ में मैंने इसे शॉपिंग की थी। नवंबर और दिसंबर में ये मेरे चार प्लांट हैं, मेरी शॉपिंग के वीडियो में मैंने इसको शेयर किया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरे न चारों प्लांट्स में, इसमें तो मेरी दो चार जो है क्या कहते हैं फ्लावर खिल ही रहे हैं एक एक दो दिन दिन के अंतराल में, आप ये देख सकते हैं। और नई नई बड्स भी इसकी बन रही हैं। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, इस पौधे में मेरे ये गुच्छों में बड्स बन रही हैं। ये सारे हाइब्रिड गुड़हल हैं। तो दोस्तों, कैसे इनकी केयर करें, इनकी धूप और पानी, इनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं कि हमारा जो है गुड़हल का पौधा बहुत हेल्दी रहे और इसमें जो है जो फ्लावर है वो कंटिन्यू खुलते रहें। जो इसमें एक कॉमन समस्या आती है बड्स ड्रॉप्स की और हमारे पेड़ का ना हेल्दी होना, ग्रोथ ना होना, इस मार्च के महीने में हम इसमें ऐसा क्या करें कि सारे साल भर हम जो है हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़े और जो है कंटिन्यू रूटीन में इन्हें मंथली या वीकली किस तरह से फीड करें कि हमारा गुड़हल का पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे। रिपोर्टिंग के बाद आप देख सकते हैं मेरे पूरे गुड़हल के पौधों में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और देखिए ऑलमोस्ट मेरे सभी में जो है बड्स बन रही हैं, कुछ में फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। मेरे ये गुच्छों वाले में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स खिले थे। आज जो है मार्च की शुरुआत में इसमें चार से छः फ्लावर एक साथ खिले थे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इसमें हम कैसे फिट करें। इसकी एक एक चीज़ें मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाती हूँ। कुछ ज़रूरी काम है जो हमें मार्च के महीने में कर लेने हैं ताकि हमारे गुड़हल का प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहे। तो दोस्तों, आइए हम जो इसको किस प्रकार से फीडिंग करेंगे और इसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। मोस्टली सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनिक ली हैं। एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने इनऑर्गेनिक ली है, यानी केमिकल फर्टिलाइज़र है, लेकिन आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारा ऑर्गेनिक का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमें नंबर एक पे लेना है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट लें हम, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है। इसके साथ अब गोबर की सड़ी हुई बहुत अच्छी खाद, जिसे हम जो है 3 से 4 दिन अच्छी तरह से सुखा के तैयार कर लें, वो हम ले लें, या किचन कंपोस्ट वो ले लें। तो इन तीनों में ऑप्शनल है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लें। सेकेंड नंबर पर आते हैं गुड़हल का पौधा, क्योंकि एस्टिक नेचर का होता है, इसका जो है एस्टिक लेवल मेंटेन करने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैंने ली है यूज्ड की हुई चाय की ये जो पत्ती है। आप चाहें तो नई चाय की पत्ती भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चाय की पत्ती होती है, आप ध्यान दीजिए, वो भी लीफ की ही होती है, तो ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हमारे गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग के लिए डालती है। क्योंकि और नंबर तीन पे जो आता है हमारी ये नीम खली है, इन्हें 2 चम्मच तक मैं अपने एक पॉट में इस्तेमाल करूँगी। और इसे मैं इसलिए डालती हूँ ताकि फंगस आ अटैक्स या कोई भी कीड़े मकोड़े जो हमारे मिट्टी की में होते हैं और हमारे प्लांट्स की जड़ों को रूट्स को जो है इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उनका प्रभाव ना हो, इसके लिए मैं नीम खली का यूज कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने जो है एक ये यूज़ किया है, ये बोन मील है। बोन मील है जो है क्या कहते हैं हमारे पौधों को मैग्नीशियम कैल्शियम जो है बहुत अच्छी तरीके से और फास्फेट इसकी कमी को दूर करती है और ये भी जो है हमारा ऑर्गेनिक है। इसके बाद जो है मैं एक चीज़ जो है यूज कर रही हूँ, ये है केमिकल फर्टिलाइज़र जिसे हम पोटास कहते हैं। ये किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग या फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसका मैं इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास केले के छिलके का जो है पाउडर नहीं है। आप केले के छिलकों को भी सुखा कर उसका पाउडर बनाकर 2 चम्मच आप
12 इंच के पॉट में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए जो है गुड़हल के पौधे के लिए एक वरदान साबित होता है। या लिक्विड फर्टिलाइजर आप बनाना फील्ड फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैं यूज करूँगी सीवीड। ये जो सीवीड है यह हमारे पौधे की जो है जड़ों को बहुत ज़्यादा फायदा करता है, ऑल ओवर पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके इस्तेमाल से हमारा जो है पौधा बहुत ही हेल्दी है। ये इफ़्को का है। आप जो है लिंक में किसी भी कंपनी का जो है ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या किसी भी जो है जहाँ पौधों का खाद वगैरह मिलती है वहाँ ये आसानी से 1 किलो पैक में ये ज़रूरत के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इस्तेमाल किया, और इसके साथ ही चलिए अब मैं बताती हूँ कितनी कितनी मात्रा में हमें अपने पौधे में। ये दोस्तों हमारे 12 इंच का पॉट है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसकी मिट्टी आप पहले देख लीजिए। गुड़हल के पौधों को जो मिट्टी की ज़रूरत है वो हमारी मिट्टी वेल ड्रेन हो, एकदम भुरभुरी हो, और जो है जिसमें मॉइस्चर तो होल्ड करे लेकिन पानी रुके नहीं, ताकि इसके रूट का डेवलपमेंट अच्छे हो और हमारा पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करे। दोस्तों आप ये देखिए, इसे मैंने जो है इस जो है इसके पौधे के मिश्रण में जो है मिट्टी जो तैयार की है उसमें धान की जो है भूसी का इस्तेमाल किया है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा बेसिक वो करता है। तो इसके लिए दोस्तों ये हम 15 से 20 माने 20 दाने देखिए ये मैंने सीवेट के डाले। इसके पास दोस्तों मैंने ये डाला जो है 2 चम्मच तक मैं जो है एक पॉट में इस्तेमाल की हुई चाय का पत्ती का यूज करूँगी। अगर बिना इस्तेमाल की हुई आप चाय की पत्ती का यूज कर रहे हैं तो उसे आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं छोटा। इसके साथ ही दोस्तों मैं 2 चम्मच के लगभग ये नीम खली का पाउडर डालूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा फंगिसाइड का एक नेचुरल फंगिसाइड का वर्क करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें मैं जो है लगभग आधे चम्मच के बराबर ये पोटाश डालूंगी। दोस्तों आप पोटाश को जो है घोल के भी डाल सकते हैं, ये किसी भी पौधे की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें 2 मिट्टी के बराबर जो है इसमें डालूंगी जो है ये वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों इसके साथ ही हम 1 चम्मच के बराबर हम डाल सकते हैं क्या कहते हैं ये अपना जो है बोन मील, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप बोन मील इस्तेमाल नहीं सकते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट आता है उसकी कुछ मात्रा जो है आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इसके साथ ही दोस्तों ये देखिए मैंने 2 मिट्टी के बराबर डाल दी है। आप ज़रूरत के हिसाब से, या ये क्योंकि नेचुरली है ऑर्गेनिक है, ये थोड़ा कम ज़्यादा होती है वर्मी कंपोस्ट, तो हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं पौधा। तो ये जो है मार्च के महीने में ये काम हम ज़रूर करें। इसी तरह जो है दोस्तों इसको जो निकली हुई हमारी मिट्टी है उससे हम कवर कर दें। अब इसके बाद जो है इसमें हम वाटरिंग कर देते हैं, क्योंकि जो है और एक बात का और ध्यान रखना है, गुड़हल के पौधे को डेली पानी की ज़रूरत होती है, और इसे ऐसी जगह रखें कि बहुत धूप, जहाँ इसको प्रॉपर दिन भर की धूप मिले, क्योंकि अच्छी धूप में हमारे गुड़हल का पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। इसके साथ ही एक काम हमें और करना है, देखिए किसी भी हेल्दी प्लांट की जो है ग्रोथ के लिए उसके रूट के साथ साथ जो है उसका जो है ऊपर का एरिया भी, ऊपर की जो है स्टेम और लीव्स को हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को जो है मैं ये स्प्रेयर बॉटल है मेरी 2 लीटर की बॉटल है, इसमें मैं जो है लगभग 1 टीस्पून के बराबर 2 ग्राम के बराबर जो है मैंने जो है इसमें जो है इसको घोल लिया है। और अपने गुड़हल के पौधों में दोस्तों देखिए इस तरह से करते हुए ये जो है पूरी तरीके से अच्छे से हमें जो है इसको वो कर दे जो है पूरी तरीके से स्प्रे के द्वारा पूरा अच्छे से पूरे पौधों में कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे जो ऊपर की है लीव्स में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और ये जो हमारा एप्सम सॉल्ट है ये हमारे जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो कि हमारे पौधों के की कमी को दूर करता है। क्लोरोफिल हमारा बहुत अच्छी तरीके से जो है बनता है। क्लोरोफिल जब हमारा अच्छी तरीके से बनेगा तो हमारे पौधे की ग्रोथ अपने आप ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों एप्सम सॉल्ट का जो स्प्रे करना है इसका ध्यान हमें ये रखना है कि इसे हम लगभग 20 से 25 दिन के अंतराल में ही एक बार यूज करें। और जो मैंने प्रोसेस की है अभी इसकी फीलिंग की, वो जो है अभी मैंने मार्च में की है। आप ज़रूरत समझे तो 1 महीने में इसको दोबारा करते रहें, आपका गुड़हल का पौधा पूरे साल फूलों से लदा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।